स्टूडेंट्स, ये इंडियन हिस्ट्री का 60वां पार्ट है और हम लोग अति महत्वपूर्ण तथ्यों को ले रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इनको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। IAS, PCS, नेट, ग्रुप सी, SSC, CDS, NDA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करता हूँ। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी वो कौन थे? समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? कुषाण या मौखड़ी वंश? मिहिर कुल का संबंध किससे था, गुप्त से या हूण से? और सृष्टि किसे कहा जाता था, व्यापारी को या साहूकार को? कुलिक किसे कहते थे, कुलिक कारीगर या व्यापारी? कायस्थ किसे कहते थे, व्यापारी या लेखक? सार्थवाह का क्या अर्थ होता है, शिल्पी या व्यापारी? और नीति सार के लेखक कौन थे, विशाखादत्त या कामंदक? मुद्रा राक्षस के लेखक वाग्भट या विशाखादत्त? अष्टांग हृदय के लेखक कौन है, कामंदक या वाग्भट? अति महत्वपूर्ण है ये। और मृच्छक टिकम के लेखक कौन है, दंडिन या शूद्रक? दश कुमार चरित के लेखक कौन है, शूद्रक या दंडिन? कृतार्जुनीयम के लेखक कौन है, रविकीर्ति या भारवी? और गुप्तकाल में कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को क्या कहते थे, क्षेत्र भूमि या खील भूमि? क्षेत्र भूमि किसे कहते थे, निवास योग भूमि या कृषि योग भूमि? वास्तु भूमि क्या कहलाती है, कृषि योग भूमि या निवास योग भूमि? अपहरित भूमि किसे कहते हैं, निवास भूमि या जंगली भूमि? युद्ध और शांति के मंत्री को क्या कहा जाता था, महादंड नायक या महासंधि विग्रहिक? धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी कौन था, महादंड नायक या विनय स्थिति स्थापक? गुप्त काल की बात हो रही है, गुप्त काल में युद्ध और शांति के मंत्री को क्या बोलते थे, महादंड नायक या महासंधि विग्रहिक? तो ये रहा अति महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन। आप बताएं, गुप्त काल में भुक्ति यानी प्रांत के प्रशासक को क्या बोलते थे, विषयपति या उपरिक्? विषय का अर्थ क्या था, नगर या जिला? विषय के प्रशासक को क्या कहते थे, उपरिक या विषयपति? ग्राम के प्रशासक को गुप्त काल में क्या कहा जाता था, उपरिक या ग्रामिक? गुप्त काल में भुक्ति का क्या अर्थ है, जिला या प्रांत? और सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रमन ने करवाई थी, दूसरी बात मरम्मत किसने करवाया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या स्कंदगुप्त ने? और नवनीतकम की रचना किसने की, आर्यभट्ट ने या धन्वंतरी ने? पंच सिद्धांतक पुस्तक के लेखक कौन है, आर्यभट्ट या वराह मिहिर? किसने अंतिम शासक
रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो ये रहा कुल मिलाकर के, आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।